श्री गणेश, माता लक्ष्मी और माता सरस्वती का नाम लेते हुए इस नए सेशन की शुरुआत करते हैं, जो है एप्लीकेशन ऑफ इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। पहले मैंने आपको इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग स्टार्ट किया हुआ है, उसका यूज कैसे करते हैं वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट में, उसके तहत ये उसी के साथ साथ चलेगा। तो ये लेक्चर नंबर 1 है, जिसको मैं DPR, जिसे हम डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहते हैं, उसके थ्रू मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए सेशन को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला जो मैं पेज आपको दिखा रहा हूँ वो है आपको मुख्य अभियंता CDO रांची के द्वारा AC यानी अध्यक्षण अभियंता को लेटर दिया गया है। इसमें आप एक टर्म देख सकते हैं जो है आपका PFR, जिसका फुल फॉर्म होता है प्रोजेक्ट फाइनल रिपोर्ट, यानी आप प्रोजेक्ट फाइनल रिपोर्ट तैयार कीजिए। और जो ये आप देख रहे हैं, इसका एक डॉक्यूमेंट मतलब भी होता है कि आप कोई भी प्रोजेक्ट को ऑफिशियल के द्वारा फाइनल किया जा सकता है, तो उसके थ्रू भी कहते हैं। ये जो है उसका त्रुटि, क्या क्या पाए गए हैं कमियां, उसका लेटर है। तो ये आपका मिल गया। सब कुछ फाइनल हो जाने के बाद हम सर्वे करते हैं कि इस प्रोजेक्ट की ज़रूरत है क्या। तो प्रोजेक्ट का बैकग्राउंड देखते हैं। तो इंडिया में मिलियंस ऑफ पीपल से जो फेस कर रहे हैं आपका पानी की कमी का, और जो इंडिया का मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन 70% पॉपुलेशन है वो रूलर में आपका रहते हैं, रूलर में। और करीबन इंडिया में हर साल करीबन 6 लाख बच्चे जो निमोनिया, डायरिया और निमोनिया की वजह से मर जाते हैं, जो कि गंदे पानी पीने से होता है और पुअर हाइजीन की वजह से। तो क्या हम इन्हें सर्व नहीं कर सकते पानी? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया में करीबन 1050 mm हर साल आपका पानी होता है, जो कि आपका रशिया, USA, ऑस्ट्रेलिया के तुलना में काफ़ी अच्छा है, जो कि डेवलप कंट्री है। झारखंड के अंदर ये जो वो काम होता है वो ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन डिपार्टमेंट के अंदर आता है। और हम झारखंड के अंदर भी देख रहे हैं वेस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट के, जो कि साउथर्न बॉर्डर शेयर करता है और साथ साथ उड़ीसा के साथ ईस्टर्न और साउथर्न साइड का बॉर्डर शेयर करता है। इसमें 18 ब्लॉक्स हैं, जो कि जिसमें 3 ब्लॉक आपको ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन को सप्लाई किया गया है, जिसमें वो चाईबासा, खुदपानी और तांतनगर ब्लॉक है। और अगर आप ये तीनों देखें तो इसमें पूरे 18 ब्लॉक में 76 विलेज है, जिसकी पॉपुलेशन 86389 पॉपुलेशन है। और अगर ये 2011 के सर्वे के अकॉर्डिंग जो पॉपुलेशन मैंने बताया, इसमें पहले 75 विलेज था, एक विलेज अभी रिसेंट ऐड हुआ है नीमडी, जो कि आप ऊपर पढ़ सकते हैं। अब ये आता है कि इस प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट क्यों है, नीड ऑफ प्रोजेक्ट। पहले जो पानी सप्लाई किया जाता था वो सिर्फ आपका देखा जाए तो मेजर सिटीज़ में किया जाता था, लेकिन फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद ये गवर्नमेंट सीरियस हुई कि नहीं, हमें रूलर को भी आपको सेफ, मतलब साफ ड्रिंकिंग वाटर पानी पिलाना है। और अबाउट उन्होंने देखा भी कि 85% जो परसेंट पानी पीते हैं वो कुछ रूलर में होते हैं, वो आपका देखा जाए तो इरिगेशन में यूज कर लेते हैं, और सिर्फ हार्डली 3% ही वो लोग पीने के लिए यूज करते हैं। और अगर हम अकॉर्डिंग टू नेशनल रूलर ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम देखें 2010 का, तो 5.6 पंप है, लेकिन उसमें 1.2 पंप जो देखा गया वो इंस्टॉल किया गया था, लेकिन उसकी सही से प्रॉपर मेंटेन नहीं की गई, ख़राब हो गया। और देखा जाए तो उसमें अच्छा क्वालिटी का पानी भी सर्व नहीं किया जा रहा, जो चापाकल पंप होते हैं उसमें। इसीलिए इसकी ज़रूरत पड़ी, इसकी नीड हुई, ताकि हम एक सेफ क्वालिटी अच्छा पानी रूलर को भी प्रोवाइड कर सके, जो गांव में रहने वाले होते हैं। अगर रिसेंट एक रिपोर्ट की देखा जाए तो 44 मिलियन लोग इफेक्टेड हैं एक्सेस फ्लोराइड, आयरन, नाइट्रेस और हैवी सैनिटाइजेशन वाटर। और अगर हम देखा जाए तो ओनली 18.7% ही सेफ आपका विलेजेस का वाटर है। इसीलिए हमें इस की ज़रूरत पड़ी, जिससे हम सभी को साफ पानी पिला सकें। और इस स्कीम की चाईबासा के अंदर रिक्वायरमेंट हुई, चाईबासा ब्लॉक में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं आपका कितने तरह के यहाँ पर यूज होते हैं डोमेस्टिक का। तो यहाँ आप देख सकते हैं 90% डोमेस्टिक यूज है, साथ साथ आप पब्लिक यूज, कमर्शियल, म्यूनसिपल, ये सब 7.6% ही है। नेक्स्ट देखते हैं बाकी, तो ये सब पॉइंट सेम है। ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ऑब्वियस सी बात है, हम 100% आपको पानी सप्लाई करना है हर घर तक,
और अगर कोई छोटा विलेज है जहाँ तक बहुत ज़्यादा एक्सेस है, तो हम छोटे प्लांट बनाकर सोलर बेस पे या इलेक्ट्रिक बेस पे भी उस गांव में पानी को सप्लाई करेंगे। यही हमारा ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य है। अब आ जाते हैं स्कोप पे। तो स्कोप में हम अच्छे से इसको कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे, उसका जो ड्राइंग्स होते हैं वो सब बनाएंगे, उसका अप्रूवल लेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव, और पूरे को अच्छे से सर्वे करने के बाद हर एक चीज़ अच्छे से बनाएंगे ड्राइंग, ताकि हर घर तक पानी पहुंच सके, तो 100% कवर हो सके। तो अगर आपको डैम रिक्वायरमेंट है तो डैम बनाएंगे, अगर किसी रिवर का है तो वहाँ पर इंटेक स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो ये सभी को डिटेल में सर्वे के थ्रू सर्वे करके हमें हर एक चीज़ वहाँ का लेवल क्या है, हमें ESR का स्टेजिंग कितना देना है, मिनिमम तो 7 मीटर देना ही है, उसी के अकॉर्डिंग हमारा ये रहेगा कि हर घर तक पानी आसानी से ग्रेविटी के थ्रू कर सके। तो उसके लिए हम टोपोग्राफी सर्वे करेंगे, ज्योग्राफिकल डेटास को इकट्ठा करेंगे, यानी उस रिवर में कितना पानी रहता है, या वहाँ पर कौन कौन से वाटर मैपिंग है, कौन कौन सा रिवर है, ऑटोकैड के थ्रू ड्राइंग जनरेट करेंगे, उसको CDO से अप्रूवल लेंगे। तो ये सभी डाटा को इकट्ठा करने के बाद हमें आगे का डिटेल स्टडी करना पड़ता है, ताकि हमें पता चल सके कि हमारे कितना पाइपलाइन है, कितने किलोमीटर्स, ये सभी का सर्वे किया जाता है। तो ये आपका टोटल स्टेशन से किया जाता है, आपका साथ साथ और भी अदर इंस्ट्रूमेंट भी यूज किया जाता है। तो हमने सभी चीज़ों को अच्छे से सर्वे कर लिया, हमें सारा डाटा मिल गए, जैसे आपका रिवर में कितना फ्लो है हर ईयर का डाटा, जो कि हमें मिलने के बाद हमारा ये सभी बन जाता है। तो यही सब आपको क्या क्या करना है, इस सभी में यही लिखा हुआ है। तो ये सब करने के बाद अब हमें डाटा मिल गया, अब हम एक एक करके हम को दिखाते हैं कि सभी के डाटा किस तरह मिले हैं और वो किस तरह हमें यूज करना है। तो स्कोप में हमने यही किया है कि एक तरह का DPR बनाया, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, इसे डी ड्राफ्ट भी कहा जाता है, एक तरह का ड्राफ्ट हमने बना लिया है, जिसकी हेल्प से हम अपने प्रोजेक्ट के बारे में आगे बता सके कि इतना पॉपुलेशन है यहाँ का 2011 के सर्वे के अकॉर्डिंग, क्योंकि 21 का अभी तक हमें मिला नहीं था जब तक कि प्रोजेक्ट आपका रन हो रहा था। तो उसके अकॉर्डिंग ही हम 2011 के डेटा के अकॉर्डिंग ही इस सारे सर्वे को ये करेंगे। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन पहले देख लेते हैं, जो हमने इकट्ठा किया डाटा। चाईबासा के अंदर 2 पैकेज को इन्होंने लिया है आपका वाटर सप्लाई स्कीम के लिए। 2 पैकेज इसलिए क्योंकि हमने यहाँ 2 सब सरफेस यानी रिवर का चुनाव किया है, पहला रोरो नदी और दूसरा खरकाई नदी। तो इसके साथ साथ हमें ये भी देखना होता है कि पहले से कौन कौन सा स्कीम है। तो देखिए यहाँ 4 स्कीम है, एक गाया सुत्ती, एक कुर्सी, एक तुईबीर और एक पताग्वीरा। तो ये 4 स्कीम पहले से छोटे छोटे स्कीम जो कि चाईबासा के अंदर है, तो वो क्या क्या कंप्लीट कर रहा है, कौन कौन सा विलेज को, वो देख लेते हैं। साथ साथ यहाँ पर सीवरेज सिस्टम क्या है, यानी जो हमारे घर से नाला गंदा पानी जो निकलता है वेस्ट, उसका ड्रेनेज सिस्टम क्या है, वो भी हमें देखना पड़ता है, क्योंकि उसकी भी क्लीनिंग के लिए हमें पानी की रिक्वायरमेंट होती है। और साथ साथ यहाँ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या है, जो हमारे घर से वेस्ट निकलता है वो भी हमें देखना पड़ता है, क्योंकि कई बार ये भी चीज़ हमारे वाटर सप्लाई स्कीम को इफ़ेक्ट करता है। तो ये था इसका नेशनल ड्रिंक रूलर वाटर ड्रिंकिंग सप्लाई के अंदर ही हम लोग ये देख रहे हैं। तो इसमें जो जो पॉइंट दिया गया है उन सभी पे हम फोकस करते हैं। तो हमें जो एग्जिस्टिंग देखना होता है वो भी देखना होता है, और अगर उस स्कीम के तहत अगर कोई गाँव को कवर नहीं किया गया है तो उस गाँव को भी कवर किया जाता है, और अगर उस गांव को कवर करने के लिए बहुत दूर हो रहा है या बहुत ज़्यादा अगर हमें डिस्टेंस पड़ रहा है तो उस विलेज में एक छोटा सा स्कीम अलग से प्रोवाइड कर लिया जाता है, जो कि आसानी हो, कॉस्ट हो, इकोनॉमी को भी हमें देखकर ये सभी चीज़ देखना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए कवरेज होना चाहिए, सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए, फुल नेचुरल क्लाइमेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, सपोर्ट होना चाहिए, ये सभी आपका बोला जाता है NRDWP के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अभी ये जो हमने स्कीम्स देखा उसका हम देख लेते हैं कि कौन कौन सा, ये 4 स्कीम जो गुत्तूसाही था, कुर्सी था, तुईबीर, पताग्वेरा और पुराना चाईबासा स्कीम, कौन कौन सा विलेज को कवर कर रहा है और कौन कौन सा नहीं।
तो ये डाटा आपको मिल जाएगा, ये स्कीम्स के थ्रू अपने आप दे दिया जाता है। तो सबसे पहले गया श्रुति को देखते हैं, तो ये नौ विलेज को कवर करता है आपको गुत्तू साई पंचायत के, लेकिन इसमें से सिर्फ 7 विलेज को ये पानी सप्लाई कर रहा है। और इनका पॉपुलेशन भी देख सकते हैं, 3 पॉपुलेशन दिया गया है, 1991, 2001, 2011। तो 2011 के अकॉर्डिंग ये 5334 इतना पॉपुलेशन को गुत्तूसाई के ये 7 विलेजेस को ये कर रहा है, बट इसमें 9 विलेजेस है जिसमें 2 विलेजेस को कवर नहीं कर रहा है। और ये वाटर मैपिंग जो मैंने कहा, तो यही वाटर मैपिंग है, यानी हम ड्राइंग में देख के पता करते हैं कि कहाँ कहाँ आपका ये कहाँ सोर्स आ रहा है। आप देख सकते हैं सोर्स और किस किस विलेजेस को ये कवर कर रहा है। इसी तरह हम दूसरे स्कीम जो है कुर्सी वाटर सप्लाई स्कीम, अगर उसको देखें तो ये टोटल 8 विलेजेस है जिसको ये पूरी तरह से कवर कर रहा है, और इसकी भी पॉपुलेशन देख सकते हैं, और साथ साथ ये विलेजेस के नाम भी, कुर्सी एक पंचायत का नाम है उसी के नाम पर ये पूरा स्कीम है, ठीक है। जैसे अभी पीछे आपने गया श्रुति देखा, वो भी पंचायत का ही नाम पे है। और ये 5907 जो 2011 का पॉपुलेशन है उसको कवर कर रहा है, और इसका भी वाटर मैपिंग आप देख सकते हैं। ये चारों का एक साथ भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन सा, अभी अलग अलग फिगर्स के थ्रू आप देख लीजिए। इसी तरह आप थर्ड भी देख सकते हैं, तुईबीर, जो कि 6 विलेजेस को कवर कर रहा है, और अगर 2011 के पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 6437 विलेजेस मतलब पर्सनस को ये कवर कर रहा है, इतने लोगों को ये पानी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये तीनों देखने के बाद हम चौथा देखेंगे, क्योंकि ये चौथा में अगर आपको याद हो तो पुराना चाईबासा के भी कुछ विलेजेस को ये कवर कर रहा है, जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम पुराना चाईबासा के भी आपका ये कवर कर रहे हैं। तो ये तुईबीर का ही आप वाटर मैपिंग देख सकते हैं, ये ब्लैक एंड वाइट है, कलर्स में आपको और भी अच्छे से समझ आएगा। पता गुईदा देखा जाए तो ये टोटल 2 ही गांव को कवर कर रहा है, और जिसकी पॉपुलेशन 2570 है, और ये 2011 के है, जो कि कुजू नदी से ये पानी ले रहा है, ठीक है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसके अंदर हमारा नीमडी पंचायत है, और नीमडी पंचायत के अंदर ही हमारा एक विलेज है जो कि हम कवर करेंगे। देखिए ये 2 विलेजेस है, पतागुईरा और पुराना चाईबासा, ये दोनों को कवर कर रहा है। तो अब जो जो गैप है अब हम उसको देख लेते हैं। देखिए टोटल 75 विलेजेस है जो कि 100% कवर नहीं है, 23 विलेज ऑलरेडी प्रिपेयर है, और अनकवर्ड है 52 विलेजेस। इसकी पॉपुलेशन भी देख सकते हैं, टोटल 93412 है, जिसमें से कवर 2024 है, और 73164 कवर नहीं है। तो ये तो हमने देखा, इसके बेसिस पे हमने जो सर्विस प्रोवाइड किया वो, अब उसी के अकॉर्डिंग हमने कुछ कुछ डाटा करके आपका ये सभी डाटा तैयार कर लिया है। आप धीरे धीरे मैं आपको इसी स्कीम के आगे बताऊंगा, तो ये सब चीज़ आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। प्रेजेंट में कितने विलेजेस को पानी मिल रहा है, कितने को नहीं, वो सब है, और कितने दिन तक या कितने ये तक आपका सर्व करेगा। तो आप इसको डायग्राम में भी देख सकते हैं, 19% है जो कवर है, और 81% है वो नॉन कवर है इस डाटा के अकॉर्डिंग। अब कौन कौन से नहीं है उस विलेजेस को भी आप एक साथ देख सकते हैं, जैसे 75 मैंने आपको विलेज बताया, उसमें से कौन कौन सा विलेजेस कवर है, जैसे एक देख सकते हैं बौद्री पंचायत का उली हत्ती जो कि कवर नहीं है, उसी तरह दूसरा भी विलेज अनकवर्ड है, जो कि ये सभी नॉन कवर्ड में आता है, और इसका पॉपुलेशन भी जो स्टेटस है वो नॉन कवर्ड है, मतलब नहीं किया गया है। एक गाया सोती जो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो DPR प्रिपेयर्ड है, यानी वो कवर्ड है। इसी तरह आप आगे का भी डाटा देख सकते हैं कि कौन कौन सा कवर है, कौन कौन सा नहीं। तो सबसे पहला स्कीम जो हमने देखा था गया सुती, उसमें से जो विलेजेस कवर है या DPR प्रिपेयर्ड, यानी ये इसका DPR प्रिपेयर्ड है और ये स्कीम के तहत ये कवर किया गया है, ठीक है। और नॉन कवर जैसे देख सकते हैं लुंगुगुत्तू का गुईरा, लुंगुगुत्तू का लुंगुगुत्तू विलेज ही, इसी तरह सो ऑन। तो ये टोटल मैं आपको 76 विलेजेस देख सकता हूँ, आपका इससे ज़्यादा भी विलेजेस हो सकता है 75 से, तो ये अकॉर्डिंग टू होता है। और ये चारों आप देख सकते हैं खरकाई रिवर का,
देख सकते हैं तुइबीर, कुर्सी, गयासुत्ती और रोरो नदी और लुंकुकुत्तु झरना। कौन कौन सा अनकवर्ड है उसको भी दिखाया गया, कवर्ड कौन कौन सा है उसको डार्क में दिखाया गया। आप देख सकते हैं तुइबीर के अंदर कौन सा कवर्ड है, कुर्सी के अंदर कौन सा कवर्ड है। तो अब देख लेते हैं डिज़ाइन देदास। तो डिज़ाइन हम लोग कैसे करते हैं, जैसे मैंने आपको जो इन्वायरमेंट का भी लास्ट ये एंड किया था उसमें भी आपको बताया था कि 30-30, 15 साल, 30 साल और 50 साल के लिए हम डिज़ाइन करते हैं। तो इसको भी इन लोगों ने बेस ईयर यानी 2020 कर लिया है, मतलब यहाँ से हम सप्लाई स्टार्ट करेंगे। और इंटरमीडिएट यानी हमें यहाँ तक इंटरमीडिएट ईयर है, यानी 15 ईयर का गैप हो गया अगर दोनों में आप देखिए, और ये फिर 15 यानी 30 साल अल्टीमेट ईयर हो गया, यानी हम अल्टीमेट ईयर के लिए ही डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, 30 साल के लिए एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को दिया जाता है। और यहाँ पर 70 LPD हम लोग ले रहे हैं, 70 लीटर पर कैपिटा पर डिमांड हमने यहाँ डोमेस्टिक लिया है, यानी गांव के लिए। अगर आपको स्थिति के लिए याद होगा तो 135 था, और मिनिमम जो आपका 7 मीटर स्टेजिंग होना चाहिए OST के लिए, और लॉसेस हमने 15% किया है। और अगर आपको लैंड है तो अल्टीमेट यानी 30 ईयर के लिए किया है, और इंटेक भी हम 30 ईयर के लिए डिज़ाइन करते हैं। वह इंटेक पंप और मेसनरी याद किया जाए तो इंटरमीडिएट यानी 15 ईयर, वाटर ट्रीटमेंट उसमें भी पंप होता है तो 15 ईयर, और स्टोरेज के लिए भी हमने 15 ही किया है क्योंकि उसमें भी पंप होता है, और ये सभी CPHEEO के अकॉर्डिंग ही कर रहे हैं। इसी तरह वाटर ट्रीटमेंट का वर्किंग आवर भी देख सकते हैं 16 ईयर लिया है। सोर्स का देखा जाए तो हमने यहाँ पर सब सरफेस यानी रिवर को किया है, और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो कि कन्वेंशनल होता है, और उसमें हमने 25% हाइड्रोलिक ओवरलोड लिया है, और लॉसेस और सभी को भी हमने इसमें गारंटी के रूप में कवर किया है। ट्रांसमिशन मेन यानी आपका जो इंटेक से लेकर WTP तक आएगा वो है, उसका DI पाइप हमने लिया है, और जो कि 300 mm से ऊपर होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप दोनों तरह के पाइप यूज कर सकते हैं, HDPE और DI, दोनों में से कोई भी। उसी सब की ये आपका इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि कौन कौन से क्लास का लेना है, तो आप चाहे तो इसे पॉज करके ज़रूर पढ़े, जहाँ भी आपको लगे तो पढ़ सकते हैं। रोड, आपका रोड कटिंग हो सकता है उसके लिए आपको NOC लेना है। कॉस्ट के लिए आपको शेड्यूल रेट प्रिपेयर करना है। ऑपरेशन कॉस्ट के लिए भी आपको करना है अकॉर्डिंग टू CPHEEO के मैनुअल के अकॉर्डिंग। अगर आपको पिक फैक्टर याद होगा फ्लैक्चुएशन में, तो देखिए पॉपुलेशन अगर 50,000 से कम है तो 3 लेंगे, पॉपुलेशन रेंज अगर 50,000 से लेकर 2 लाख तक होगा तो 2.5, और 2 लाख से अबव होगा तो 2 लेंगे। ये भी आपके माइंड में होना चाहिए। अब पाइप कैसे डिसाइड करते हैं उसका भी ये टेबल दिया हुआ है। तो अगर इसमें जब आप कंस्ट्रक्ट करते हैं तो 130 लीजिए, और जो अब आप ये करते हैं तो उसके लिए अलग दिया हुआ है कोफिशियंट, तो ये भी आपके माइंड में होना चाहिए। तो यहाँ पर 3 है मेनली, आपका खरकाई, लुकुगुतु झरना और रोरो नदी। तो यहाँ पर हम एक स्कीम के लिए रोरो नदी को डिसाइड किए हैं, उसका ये वाटर मैपिंग हमने सर्वे किया है, और उसका इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिया हुआ है, और ये यहाँ पर इसका वाटर अवेलेबल हमने जिस टाइम जाकर वहाँ पर किया था 2017 का है, देख सकते हैं आप डेट इसमें, उस समय ये सर्वे हुआ था स्टार्टिंग का जब क्लाइंट के द्वारा किया गया था। फिर उसके बाद सब कॉन्ट्रैक्टर भी जाकर करते हैं, जब ये प्रोजेक्ट फाइनल हो जाता है उन्हें मिल जाता है, इसमें करीबन 3 ईयर्स लग जाता है, और फिर 3 ईयर्स बनने में तो करीबन 5-6 ईयर। और रोरो नदी हमने दूसरा स्कीम यानी पुराना चाईबासा के लिए डिसाइड किया है, तो उसका भी आप ये ड्राइंग्स देख सकते हैं जिसमें आपको शो किया गया है रोरो नीबर का पानी, जिसमें आपको 3 MLD का प्लान बनाया गया है, और खरकाई जिसमें आपको 11 MLD का प्लान दिया गया। और इसमें हम क्वालिटी देखते हैं, क्वालिटी के साथ साथ वहाँ पर पानी का अवेलेबिलिटी क्या है वो भी देखते हैं, डिस्टेंस क्या है आपका कंज्यूमर तक पहुँचाने का, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस भी नहीं होना चाहिए, और साथ साथ क्योंकि लॉसेस ज़्यादा हो जाएगा वहाँ पर, और भी कोई स्कीम है कि नहीं, रीजनेबल होना चाहिए वो भी हम देखते हैं। ये सारे पॉइंट को ध्यान में रख कर आपको ये सभी कुछ डिसाइड करना पड़ता है, सोर्स ऑफ वाटर या वाटर डिमांड, कि हमें इतना डिमांड है और हमें इतने पानी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो ये सभी आपका बहुत सारे मैनुअल्स के थ्रू या बहुत सारे एग्जीक्यूटिव SC चीफ इंजीनियर्स ये सभी
के द्वारा ही, एक्सपीरियंस पीपल्स के द्वारा ही ये सभी डिसाइड किया जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एग्जीक्यूटिव है, जेई है और एसटीओ से भी कुछ है। तो बहुत सारे टीम ये सभी चीज़ों को डिसाइड करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, टाइम लगता है, उसके बाद ही ये सभी चीज़ें डिसाइड हो पाते हैं। तो देख सकते हैं चाईबासा के एग्जीक्यूटिव और एसी ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन के थ्रू ये सभी डिसाइड कर रहे हैं। साथ साथ हमें लोकल पीपल्स के वहाँ भी उन्हें लैंड के लिए डिसाइड करना पड़ता है, पंचायत बताना पड़ता है समिति के थ्रू, और ये सभी तब उसके बाद ये सभी चीज़ें हो पाती है। देखिए वीडियो सर का मीटिंग हुआ है, उसके बाद ये सभी चीज़ें डिसाइड हुआ। तो कुछ ये पिक्चर्स थे जिसके थ्रू मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन दिया है, आपका सोर्स डिसाइड किया है। तो आई होप ये वीडियो को मैं यही एंड करता हूँ। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।